नमस्कार दोस्तों, YouTube के मिशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सेट जो ग्रुप डी का हम सेट चला रहे हैं दोस्तों, इससे पहले हम केमिस्ट्री का सेट किए हैं और ये जो है फिजिक्स का सेट नंबर 1 है। देखिएगा दोस्तों, इसमें सब हम सेट करा देंगे एक ही वीडियो में। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, सब सेट एक ही करा देते हैं। दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ताप गति का प्रथम नियम समानता किससे संबंधित मामला है? तो आपको ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। कृष्णिका विकिरण उच्च अवस्था तक पहुंचने पर तरंग तंत्र कैसा होता है? तो तापमान बढ़ने पर घट जाता है। दो निकायों के बीच ऊर्जा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? उनके अपने अपने तापमान पर। प्लैंक नियतांक की यूनिट इकाई क्या है? तो जगजेस। प्लैंक के अचर में किसकी विमाएँ होती है? तो कोणीय गति। दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? असंजन के कारण। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप क्यों फट जाती है? इसका कारण है क्योंकि जमने पर बर्फ जम जाता है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? 0°C। ठंडे देशों में शीतकालीन में झील जम जाती है नीचे का पानी छोड़कर 0°C पर। किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? ऊर्जा का। वह ताप जिसका फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है -40°। अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत। थर्म किसका यूनिट है? ऊर्जा का। जल का क्वथनांक उच्च तुगता पर किस कारण से घट जाता है? तो निम्न वायुमंडलीय दाब। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान में पानी को विस्तृत कर देता है किस आयतन? जल का घनत्व तो LC है। यह बिल्कुल सही है 4°C पर। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतर्गत को क्या कहते हैं? तो अभिवहन कहते हैं। एक वास्तविक गैस किस में एक आर्द्रता गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? निम्न दाब और उच्च दाब पर। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो निम्न ताप पर। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ताप वैद्युत उच्च तापमापी। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनियस जोन। जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा कौन सी ऊष्मा है? गुप्त ऊष्मा। कोई पिंड ऊर्जा का सबसे अधिक अवशोषण करता है वह जब वह हो तो काला और खुरदरा। तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। धातु की चाय चांदनी में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊर्जा की कुचालक होती है। बर्फ को फुरादे में पैक क्यों किया जाता है? फुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है इसलिए। ताप का उत्क्रम होता है घनात्मक हांस दर। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैंगनी। किसी पदार्थ का फोटोग्राफी लेने के लिए उपेक्षिक उर्ध्वासन काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो लाल। चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग कौन सा होते हैं? तो लाल हरा नीला। ल्यूमेन एक है क्या है? ज्योति फ्लक्स है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7।
अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। किसी वस्तु का आवर्धित या आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। प्राकृतिक में सबसे सतर्क बल कौन सा है? नाभिकीय बल। प्रकाश आक्सीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जाती है? प्रकाश द्वारा। परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परावर्तन। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरीदर कमानी। फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के कारण पर संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है? परिकीर्णन के कारण होता है। संक्रमक आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेता है? दृश्य क्षेत्र। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? पार्थिक दूरदर्शक। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल का लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। तरल में भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। लेंस किससे बनता है? फ्लिप्ट कांच से बनता है। दृष्टि के अस्थायी का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? सिनेमा का। मृग मारीचिका बनाने वाला प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ग्रीष्म काल में मारीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सर्वी रमन को उसके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। वाहन के अग्र दीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो परवलीय दर्पण। कारों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? परावर्तन या अवतल दर्पण होते हैं। वाहन चालक हेतु पक्ष दृश्य दर्पण कौन सा होता है? उत्तल। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमन ने। प्रकाश का वेग होता है 3×108 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग गुणे से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग की घटना है। परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाता है? x होता है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है पोलेराइड। समुद्र की सीमा किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? ध्रुवण के कारण। एशिया का विशालतम परावर्तीय दूरबीन कहाँ है? कवालूर है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? व्यक्तिकरण। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परत में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? व्यक्तिकरण। प्रकाश तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जैक्सन। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में क्या अंतर देखकर जान सकता है? लेंस की लंबाई का आकार। लैम्बर्ट नियम में किससे संबंधित है? प्रतिदीप। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 30 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुँचता है? 8 मिनट में। हानिकारक पर्यावरणीय किरण की रक्षा करने
वाले भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? तो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडलीय के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो पराबैंगनी की विकिरण से। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसके परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो ओजोन। किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटाकर दिखाई देती है? निकट दृष्टि दोष। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देते हैं? तो अबिंदुता। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है तो 25 सेंटीमीटर से अधिक। डायफ्राइट किसका इकाई है? लेंस जो मापा जाता है डायफ्राइट से। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसका सहायता से दोनों आंख एक साथ दूरदर्शी वस्तु का आवर्धित रूप दिखाई देता है? दूरबीन। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा? गैलीलियो ने। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाता है? लेसर। प्रकाश की किरणें को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो कांच से जल। सब इसोलेशन आपतन क्या अर्थ है? आने वाले सौर विकिरण। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अल्फा बीटा गामा वेधन में शक्तियों अपने आरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो गामा बीटा अल्फा में अधिकतम जैविक क्षति किस में होती है? गामा किरण में। मोटर कारों में हेडलाइट की चौथ को हटाने के लिए प्रेरित किया जाता है? पोलेराइड। जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं अनुधर और अनुप्रस्थ दोनों। सेकेंड का लोलक वह लोलक है जिससे समय अवधि 2 सेकेंड होती है। सेकेंड के लोलक की काल अवधि 2 सेकेंड की होती है। सेकेंड में पेंडुलम की काल अवधि कितनी होती है? 2 सेकेंड। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? अधिक गति। पराबैंगनी किरण में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरण। किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रेणी आती है? पराबैंगनी किरण। जल उपचार में पराबैंगनी किरण का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? रोगाणुनाशक। एक्सरे किरण में तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रेग स्पेक्ट्रोस्कोपी। रडार के आविष्कार कौन से थे? सर रॉबर्ट वाटसन। दूरदर्शन चैनल की विशेषता क्या है? प्रेसिस संकेत की आवृत्ति। हर टच क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोफोन द्वारा। बेलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तापमान। सूर्य की किरण किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? विकिरण। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने। एक्सरे किरण की खोज किसने की थी? रोएटजन ने। मानव शरीर में विकिरण एक्स किरण और वाई किरण आदि के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? रेम में। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किस किरण कौन सी है? तो अल्फा किरण। एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है। पद आदि केंद्र एपिसेटर का संबंध किससे है? भूकंपों से है। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? डेसिबल जो ध्वनि मापा जाता है डेसिबल से। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता के लिए।
डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर का एक माप है। शोर को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। राम के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर कितना है? 45 dB। परास्वर तरंग की आवृत्ति विशिष्ट रूप से कितनी होती है? 20 kHz से ऊपर। और मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुमति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो इतना 20 से इतना 20,000 hertz। तरंगों की तीव्रता का अनुपात कितना है? 25:9 है। उसके विस्तार का अनुपात क्या होगा? तो विस्तार का अनुपात 5:3 है। 0.3 meters की तरंगें वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 meters प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी? तो हो जाएगा श्रव्य तरंग। पराध्वनिक विमान नामक एक प्रजाति तरंग पैदा करते हैं। तो ध्वनि बूम। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य कितना है? 3900 A से 7600 A। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति किस रूप में प्रकट होती है? तो दृश्य प्रकाश के रूप में। खुले पाइप में वायु धमन किसका उदाहरण है? तो समदाबी प्रक्रिया। ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती है? निर्वात से। ध्वनि का तरंग तो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति। यदि पूर्ण तरंग दृष्टकारी फुल वेव रिक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो निम्न आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या है होगी? n। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्वनि का परावर्तन। किस सिंगल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो कैथोड किरण दोलनदर्शी ऑसिलोस्कोप। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? प्रास्रव तरंग होता है। प्रास्रव। शिकार प्रवासी या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डेल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि निर्धारण। कोई कण एक समान गति पर कौन होना चाहिए? तो उसका वेग एक समान होना हो सकता है। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कितना? आयन मंडल होता है। आयन मंडल में रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत का प्रतिबिंब कहाँ होता है? तो आयन मंडल पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो आयन मंडल करती है। यह कंपन स्वरित द्विभुज मेज पर रखा जाता है जो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। यह किस कारण से होती है? तो अवमंदित कंपन। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? तो करंट के प्रभाव को बढ़ाना। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है? प्रतिक्रिया। साइकिल का टावर अचानक फट जाना तो यह क्या दर्शाता है? तो रुद्रोष्म प्रक्रिया। एक पहिया ठेला जिसका उदाहरण है श्रेणी टू लीवर एक समान गति वाला पिंड क्या करता है? त्वरित हो सकता है। लिफ्ट में मनुष्य प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीकी से पृथक किया जा सकता है? तो चुंबकीकरण। द्रवों में चुंबकित्व का क्या कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक की वतुल्य गति। यदि एक प्रेक्षक का क्षैतिज प्रास उसके अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रेक्षक का कोण कितना होता है? 45 degrees। समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? तो समांतर लाइनों द्वारा। वाहनों में स्नेल तेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन को ड्राइवर गियर का अनुपात
कितना रखता है? तो एक से कम रखता है। बस के ऊपरी डेक पर यात्री को इसलिए खड़ा नहीं होने दिया जाता है क्योंकि यात्री गति के जड़त्व में होते हैं। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग में समानुपातिक हो, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तित है। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो उपेक्षिक भार काम करता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? गुरुत्वीय बल। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो कृषकत्व के कारण। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे एल वेडर ने किया था। आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? तो हाइड्रोगोमीटर द्वारा किया जाता है। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनराइडल बैरोमीटर। एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है। उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? पारे का स्तर घटने लगता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो पवन का वेग। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उदाहरण कौन सा है? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? m1 l3 t2। विमीय सूत्र m1 t2 किसके तदनुरूप है? तो प्रत्यास्थ गुणांक। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस समय कितना उत्प्लावन बल होगा? लकड़ी के भारत के बराबर, भर के बराबर। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। दूध को मथने पर क्रीम अलग की जाती है, इसका कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। न्यूटन का पहला गति नियम संकलन देता है। जड़त्व का रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के द्वितीय नियम। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद गिरता है। प्लेटफार्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होता है? परवलय। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? ऋणात्मक। सड़क पर चलते समय किस बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो स्थानांतरी और घूर्णी गति। चावल पकाना कहाँ कठिन होता है? पर्वत के शिखर पर। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडल कम होता है। प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रम की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होता है। पानी की बूंद तैले पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? संयोजन बल का अभाव। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। ट्रांजिस्टर का वह कौन सा पूंजी है जिसे बड़ी संख्या में अधिकांश वाहन उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है? तो उत्सर्जक। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? कोशिकीय क्रिया पर। वर्षा की बूंद आकार गोलाकार किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ का क्या होता है? घट जाता है।
घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होता है? स्थित ऊर्जा होता है। किस व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रही घोड़ी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथों को बाहर की ओर फैला देना चाहिए। किसी सतीर में संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? तो आघूर्ण का होता है। साइकिल चालक को वर्तुल गति में किस तरह झुकाना चाहिए? केंद्र की तरफ तिरछे। एक कोण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के दीर्घ बराबर दूसरी तय करती है, उसका एक समान चाल है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? समान चाल परिवर्ती वेग। इसमें से कौन सी ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? केजी एम। यस 200 क्वेश्चन। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहते हैं तो उस पर निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो पात्र के तल के पृष्ठ क्षेत्रफल। एक बार किसके बराबर होता है? 105 VA। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? पास्कल नियम। द्रव चालित मशीन में किस सिद्धांत के से काम करती है? पास्कल सिद्धांत। एक गतिमान न्यूटन एक स्थित थीटा कोण के साथ टकराता है तो न्यूटन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का भिन्न 16/25 हो जाता है। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा कितनी होती है? 0 से भी कम होता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्ष का सामने सिद्धांत। गुरुत्वीय की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है? 0 होता है। रॉकेट किसके संरचना के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक समय के। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? बढ़ जाएगी। वायुमंडल हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्वीय द्वारा। चलती गाड़ी के एक पत्थर गिराया जाता है तो जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देता है? तो परवलिक पथ। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर खड़े पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित रहती है? तो केवल समय। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो कुल पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम करता है। क्या करता है? गतिज घर्षण के बेलन के घर्षण में बदलाव। मानव शरीर का प्रतिरोध सिर्फ दशा में लगभग कितना होता है? 103 OHm। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो न्यूटन ने। विद्युत चालकता के यूनिट क्या है? तो mho। विद्युत और चुम्बकीय के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी। टेस्ला चुंबकीय का यूनिट है। प्रेरक रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किस में होता है? तो बैटरी में होता है। कुछ पदार्थ का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है, इस पदार्थ को क्या कहा जाता है? अतिचालक। जिन पदार्थ में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित होती है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो असीमित होती है। चुंबकीय रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? नर्म लोहे के। ACDC में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? दृष्टकारी। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो एकल ट्रांजिस्टर। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन
करते हैं परंतु न्यूनता पर नहीं, वे कहलाते हैं अर्धचालक। घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? तांबा। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार धातु बनी होती किसकी बनी होती है? गलनांक कम हो। जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई पर कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रेक्षित किसका प्रेक्षित तो किसका हो जाता है? तो नौ गुना हो जाता है। यदि आर प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उससे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध की कितना होगा? आर फोर। वैद्युत परिक्रमण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ परिकर्षित होती है? तो कैथोड पर। एक अन इलेक्ट्रॉनी चालकता है कॉपर सल्फेट। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक। धारा वहन करने के समय सुचालक कौन सा होता है? विद्युतीय निभावी। धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? वैद्युत क्षेत्र। धारावाहक तार कैसा होता है? न्यूट्रल। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन। प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड किसका घोतक है? तो सहायता स्तर। 240 लास्ट है। प्रतिरोध आर का एक तार यान बराबर भागों में काटा गया है फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया है। स्वयं का तुल्य प्रतिरोध कितना है? आर एन टू। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु का पर पी तथा यन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पीएन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करता है? दृष्टिकारी। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा। प्रकाश विद्युत से बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती है? प्रकाश की वैद्युत प्रवाह। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। आरएमएस मान। वैद्युत आवेश कैसा है? एक है कूलाम। बैटरी का आविष्कार किससे किया जाता है? वोल्ट से। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। पर्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है तो दिष्टकारी द्वारा होता है। फ्लेमिंग को दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा के। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त उपसाधन क्या है? रेगुलेटर। ट्रांसफार्मर को क्रूट के लिए प्रयुक्त होता है नर्म लोहा। परिरामित ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एसी वोल्ट को बढ़ाने के लिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना था? टंगस्टन का। बिजली के बल्ब में फिलामेंट का निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? आर्गन। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है एम्पियर मीटर। मानव स्थितियों में सतत वोल्ट मीटर पर दिष्ट विद्युत धारा का स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है? बैटरी। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? संधारित। हृदय स्पंद के दौरान वैद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। किसी अर्धचालक को गर्म करने की
गर्म करने से उसके प्रतिरोधक पर क्या प्रभाव पड़ता करता है। स्थित वैद्युत अवशेष का प्रयोग किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। वायु प्रदूषण, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव। उपकरणों के किसी घेर को उसके वायु चुंबक के प्रभाव से बचाया जा सकता है। रबड़ का शील्ड, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंग। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, ये सेट जो है फिजिक्स का कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।